हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी डिजिटल जोन। एसएससी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। दिस इज डे टू, ये आपका दूसरा दिन है। फर्स्ट डे हम लोगों ने चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हम लोगों ने देखे थे, एंड अब हमारा नेक्स्ट डे है जहाँ पर चैप्टर्स के एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, दिस इज डे टू एंड द चैप्टर इज नोविंग आवर नंबर्स। यहाँ सबसे पहले नंबर्स की जानकारी हमने दी है। हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी नंबर्स। एंड 1, 2, 3, 4 चूँकि हम काउंटिंग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, सो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर, मीन्स इसे गिनती की संख्या बोलते हैं। बट इसमें 0 भी ऑलरेडी एक नंबर है जिसे हम लोग अलग रखते हैं, जो कि काउंटिंग में नहीं आता, बट हाँ काउंटिंग में यह हेल्प करता है। सो ये सारे नंबर्स जो हैं, इनकी जो नेमिंग हम लोग करते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम में, वो कुछ इस ढंग से है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ नंबर हमने यहाँ पर शो किया है, जैसे 0 JDR, जो JDRO, 1 ONE, 2 TWO, 1 4 14 FOUR, TWEN, TW 20, 100, 121, 121, एंड दिस इज 222, 598, 598, 1000, 1231, एंड 12142, एंड 913100, 913100। तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इसके अलावा हम लोग ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम लोग देख सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग नंबर्स। यस, कंपेयरिंग नंबर्स मींस हमें यहाँ पर नंबर्स का कंपैरिजन करना है, मींस कौन छोटा कौन बड़ा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों सेम, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 12 एंड 34। दिस इज 12 एंड दिस इज 34, बोथ आर टू डिजिट नंबर, दोनों ही दो अंकों की संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो 12 है और जो 34 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस टू एंड 34 में यूनिट प्लेस पर 4 अंक है। एंड अगर हम टेंस की बात करें तो यहाँ पर 1 to 12 में टेंस प्लेस पर केवल और केवल दहाई के स्थान पर 1 है, और यहाँ टेंस प्लेस पर 3 है, जिसमें से 3 हमारा बड़ा है, एंड इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि 34 ग्रेटेस्ट नंबर है। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, 34, 93, 241, 303 एंड 3671। यहाँ तो हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि ये दोनों टू डिजिट नंबर है, दो अंकों की संख्या है, एंड यह दोनों 3 अंकों की और ये 4 अंकों की, तो ये कन्फर्म है कि 4 डिजिट नंबर तो ग्रेटेस्ट होगा ही होगा। एंड सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा यह इस टू डिजिट में से ही कोई होगा, तो सबसे फर्स्ट टेंस प्लेस यहाँ, चूँकि जो हमारा टू डिजिट नंबर है उसमें वंस प्लेस क्लेरिफाई नहीं करता है कि कौन सा नंबर क्या है नहीं है। हाँ, अगर टेंस प्लेस, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी अगर 3 होता तो ऐसे केस में हम वंस प्लेस को, जो इकाई स्थान पर जो अंक है उसको देखते, पर हाँ यहाँ पर दहाई वाले स्थान पर टेंस प्लेस पर अलग अलग नंबर्स है, जो कि डायरेक्ट हमें बता रहा है कि 93 34 से बड़ा है, मीन्स 34 इज़ द स्मॉलेस्ट वन, 34 इज़ द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पर दोनों ही स्मॉलेस्ट है, पर 34 स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, 10, 111, 1041, 5000।
यहाँ पर ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट एंड ये 4 डिजिट एंड ये भी 4 डिजिट है, बट ये 4 डिजिट 5000 है एंड ये 1000 है। ये कंफर्म है कि यहाँ पर ये 5000 जो है लार्जेस्ट हमारा डिजिट है एंड दिस इज अ 2 डिजिट नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, 1902, 1920, 9201, 9021, 9241। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स गिवन है एंड इस 5 नंबर्स में केवल और केवल 0 1 2 और 9 ये 4 डिजिट को लेकर ये नंबर्स ऑलरेडी बनाया गया है। अब देखने वाली बात है कि इसमें से कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे फर्स्ट दिस इज 1000 समथिंग एंड दिस इज 1000 एंड हेयर दिस ऑल आर 9000। सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं, ये 9000 एंड ये 1000, तो ये कन्फर्म है कि इस दोनों में से कोई एक नंबर ही हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो 1902 एंड 1920 दिस इज 1902 एंड दिस इज 1920, तो 2 ज़्यादा ही स्मॉलेस्ट होगा, सो 1902 इज द स्मॉलेस्ट एंड इसे फिर इसकी ज़रूरत नहीं, इसे छोड़ देंगे, ये तो इससे बड़ा ही है। एंड यहाँ 9200, यहाँ 9000 एंड यहाँ 9200, तो यहाँ 9201 एंड यहाँ 9210, तो कन्फर्म है 9201 वन बड़ा या 10 बड़ा। यस ऑब्वियसली 10 इज द लार्जेस्ट, सो 9210 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कुछ, या हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। हमारे पास 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ 6800, यहाँ 23000, यहाँ 24000, यहाँ 24000। सबसे फर्स्ट ये 100 में है, बाकी 3000 में है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 6895 ये होगा, कंफर्म। ओके एंड लार्जेस्ट की बात करें, दिस इज 23000, 24000, 24 सीधी बात है, 24000 ज़्यादा, पर यहाँ 24500, यहाँ 600, मीन्स दिस नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर 24659। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है एंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। 15000, 15000, 15000, 15000, सभी के सभी 15000 है, बट यहाँ 600, यहाँ 73, यहाँ 189, यहाँ 800, कन्फर्म है 15800, 15800, दिस इज द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट वन एंड हेयर 15073 विच इज द लीस्ट वन, मीन्स 15073 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 15800 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे एंड अब हमारा न्यू टॉपिक्स है। नंबर सिस्टम एंड एक्सपांशन, यस, हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स और उसके एक्सपांशंस को ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देख लिया है, जहाँ पर अगर हमें कोई गिवन नंबर 7 8 है तो इसका एक्सपांशन हम लोग इस ढंग से कर रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 7 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से एंड 8 को मल्टीप्लाई किया यहाँ 1 से, यह दोनों ही खुद में प्लेस वैल्यू है, ये 7 का एंड ये 8 का,
एंड जब इस दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें ये सेम नंबर 78 मिल जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 188 इज इक्वल्स टू, हम इसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 का प्लेस वैल्यू 100 प्लस 88, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस नेक्स्ट 8 के लिए 1, यहाँ पर 110 एंड 1, ये सभी के सभी प्लेस वैल्यू हैं। मीन्स ये हमारा नंबर हो गया, इसे हम लोग नंबर बोलते हैं। एंड यह जो हम लोग लिख रहे हैं इस पैटर्न में, ये हमारा एक्सपांसन है, नंबर का एक्सपांसन है। तो इस ढंग से हम लोग फाइंड करते हैं, एंड बहुत सारे नंबर्स हम लोग इस ढंग से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं का नंबर देखूं, 4000 एंड 5, अगर ये नंबर है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 का प्लेस वैल्यू 1, एंड 4 के आगे जितने डिजिट्स उतने जीरो हम डाल देंगे, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3, इन तीनों जीरो के लिए हम डायरेक्ट 0 0 एंड 0 लिख सकते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। इसे हम डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 टाइम्स 0 प्लस 0 को साइड कर सकते हैं, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1, हमें हम इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 35209, यस, इसे हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 2 3 4 टाइम्स 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 टाइम्स 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 टाइम्स 0 प्लस 0 को हम 0 ही लिखेंगे, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से ये हमारा ऑलरेडी एक्सपांशन हो गया नंबर का, एंड ये हमारा नंबर्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपांशन नंबर और फिर उसको एक्सपांड करते हैं। तो ये हमारा नंबर और इसका एक्सपांशन हो गया। आज तक के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।